कुरान करीम की ऐसरा नूर की आयत नंबर तीस में नाजिल हुआ और उसमें ख़िताब का आगाज़ मर्दों से किया गया और बाद में औरतों को मुखातब किया गया कहा गया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हफाजत करें उनके लिए पाकिज़ा तरीका है जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उनसे बाबर है और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें और अपने बनाव सिंगार ना दिखाएँ बजोजिस के, के जो ख़ुद ज़ाहिर हो जाए और अपने सीनों पर अपनी चादरों के आंचल डाले रखें और अपनी जिनत ज़ाहिर ना करें सराह नंबर तीस इकत्तीस में बाकायदा यह तर्जुमा है जिसमें हमें समझ आती है हमारी मुजिस्हमान हमारे साथ मौजूद हैं आप रज़िया मदनी साहबा डॉक्टर हमारा तारिकाबा और रब्य कलीम साहबा गुफ्तु यहाँ तक आ गई है हिजाब के साथ साथ कि मॉडर्न सोसाइटी की तरफ चल रहे हैं हमें मॉडर्न तालीम भी हासिल करनी है करनी भी चाहिए कोई हर्ज नहीं है लेकिन उसके पैरामीटर्स क्यों होने चाहिए हमें किन हदूद के अंदर रह के ये काम करने चाहिए डॉक्टर साहब अभी फरमा रही थी कि माशाला तीन बेटियाँ हैं तीनों ने अच्छी तालीम हासिल की है तीनों ने हिजाब किया है माँ की तरफ से इंस्ट्रक्शन हैं लेकिन दीन इस्लाम पे रहते हुए हिजाब करते हुए बहुत से लोगों को मैंने देखा है सुना है और मैंने एक्सपीरियंस किया है कहते कि पॉसिबल नहीं है हिजाब करना ख़ुतीन का पॉसिबल नहीं है कि आपने मॉडर्न ज़माने में अगर कम्पीट करना है तो हिजाब किया जाए क्या सिर्फ जीन्स टी शर्ट या स्कर्ट्स या वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के ही आप मॉडर्न हो सकते हैं और आप इस दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं कि अगर आपने मुकाबला करना है तो ड्रेस ड्रेसें पहनना होगा इस मित के बारे में मैं अपनी मावज़ इन माओ बहनों से ज़रूर पूछूंगा आप जी मैं चाहूँगा कि यहाँ से भी आगाज़ हो जाए थोड़ा फिर मैं डॉक्टर साहबा और राबा राबिया साहबा को भी शामिल करूँगा क्या ये लिबास तब्दील करना ज़रूरी है मॉडर्न एरा में कम्पीट करने के लिए मुकाबला करने के लिए बात यह है लिबास हमें वही रखना है जो हिजाब के तकाजों को पूरा करता है देखें ना औरत का लिबास मर्द को मोटिवेट करता है जी ये इतनी खुली हकीकत है कि यही जिनका मैं अभी आपको हवाला दे रही थी ल्फ़कार अली चीमा का जी जी. कि वो कहते हैं कि एक मरद अगर एक बाहिजाब औरत को देखे और एक उर्गियाँ लिबास वाली औरत को देखे उन दोनों का रिएक्शन एक कतन नहीं होता वो ये बातें सिर्फ तीन वजह से कहता है अगर जी. कोई कहता है कि एक औरत का बलगर लिबास है उर्गियाँ लिबास है और एक औरत बािजाब है इन दोनों को देख के मरद का रिएक्शन एक ही होता है वो कहता है तीन वजूहत हैं एक वजह तो यह है कि वो झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये एक मर्द का कहना है और मैं किसी मौलाना की बात नहीं कर रही जी। मैं ऐसे बंदे की बात कर करूं जिसने तीस साल तक केसेस को इंटेरोगेट किया और जो तीस साल तक और मोटर वे पॉलिस का आई जी रहा ठीक है ठीक है, है और फिर वो कहता है या तो वो झूठ बोलता है नंबर तो वो किसी एजेंसी के अंडर काम कर रहा है उसके मकासद के तहत या तीसरी बात वो ये कहता है कि वो सखत एहसास कमतरी का शिकार है यूरोप से वो कहता है ये सवाल ही नहीं है कि एक औरत का लिबास बलगर हो और एक बेहिजाब हो एक बेहिजाब है और एक बाहिजाब है दोनों के साथ रिएक्शंस फर्क होते हैं तो ये बड़ी फितरत की बात है ये कोई इस्लाम की बात नहीं है ये औरत की पहले दिन से बात है जी। ये जी। जो है पूरी दुनिया की औरतों की बात है यूरोप में औरतें जब इस्लाम लाती हैं सबसे पहला उनका पता है टारगेट क्या होता है जी। मेरी इज्जत महफूज हो गई वहाँ पे औरत मर्द का शिकार है औरत का हाल ये है कि मर्द तो ये टाई तक उसने टाइट की होती है पाँव में जुराबें भी पहनी होती हैं और आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं यक ठंडे मुल्क हैं औरत इतनी इधर से भी नंगी इधर से भी नंगी बाजू भी नंगे औरत को किस जरम की सजा मिल रही है कि वो इतनी सर्दी में वो सर्दी भुगते और मर्द जो है वो जुराबे पहन के और अपनी गर्दन को भी गर्म कर ले टाइके के तो आप ये देखिए ये ऐसा ये और ये औरत होने की सज़ा उसको मिल रही है ये औरत को सोचना है कि मुझे किस लिबास अख्तियार आप जी मैं बड़ी आजजी के साथ मैं जसारत करूँगा ये बात करनी और अपनी बाकी बहनों को भी इसमें शामिल करूँगा कुछ खवतानी चाहती हैं कि वो इस तरह रहें कुछ खवन की क्लास ऐसी हो कहती हैं कि जैसराम बहुत सारे स्लोगन् मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी वो एक डिबेट अलहदा है कुछ ड्रेसिस वो चाहती हैं कि भई मेरी ज़िंदगी है मेरा मेरी मेरा अपना लाइफ स्टाइल है तो मैं जो पहनना चाहूँ वो वो मैं पहनूँ ये एक अलहदा से भी बात है दूसरा ये बताई फोद लाइट एंड नोट इस बात को हम थोड़ा सा सॉफ्ट भी करते हैं कि मेकअप का एक बहुत बड़ा मेरी बहनों ख़र्चा हो जाता है और वो हमारी बहनें करती भी हैं जीनत होनी चाहिए घर के अंदर होनी चाहिए यकीन क्या ये इकनॉमिकली भी आपके घर के लिए आपकी जेब के लिए सूटेबल है आपको कन्वीनियंस फील होती है पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है जॉब करना अच्छा इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा एक तो आपा जी की बात को सेकंड करूंगी फ्राइड की रिसर्च से जी। उसकी रिसर्च ने भी यही साबित किया है जो आपा जी ने बात बयान की है अच्छा दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ कंप्लेक्स पाया जाता है असल में ये जो लिबास का मसला है हिजाब का मसला है ये मसला सिर्फ लिबास और हिजाब का नहीं है ये मसला जहनी गुलामी का School है of thought जो बन जाए असल में देखिए कौ। जो कौम में हाकम होती हैं उन्हीं की तहजीब चलती है हमेशा से तहजीब उन्हीं अवाम की गालिब रही है कि जिनका मुआशी निज़ाम गालब रहा जिनका मुआशी निज़ाम गालिब रहा उन्हीं का सियासी निज़ाम गालिब रहा और उन्ही की तहजीब गलब रही हम जब आ, उम्मत के तौर पर अगर देखें तो जब हम मगलूब हुए महकूम हुए तो हमारी तहजीब भी गई और ये जहनी मरूबियत है जो ये ख़ातन कहती हैं ना कि हम कम्फर्टेबल नहीं हैं या हमारा अख्तियार है ये दरअसल इसलिए कि आज हुक्मरान हम नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमान हुक्मरान नहीं है sense, आज जी. आज हुक्मरान कोई और है और ज़ाहिर है कि अगर हमें अपने आप को शो कराना है कि मतलब हम कुछ हैं तो उसके लिए फिर वैसा उन, बनने उनको की फॉलो करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा इसका हल भी एक यही है इसका हल सिर्फ ये इस तरह की कुछ आ, टूटी फूटी छोटी मोटी कोशिशों से कुछ होने का नहीं है हमें पूरी उम्मत को उठना होगा पूरी कौम को उठना होगा मुतहद होना होगा अपनी कौम को माशी गलबा भी देना होगा सियासी गलबा भी देना होगा फिर तहजीब गलब होगी देखिए जहाँ पर हम आई एम एफ से आ, के मकरूज ठहरे हम मशरूत हमें मदद मिल रही है आ, हमारी जो आ, पूरी पूरा जो हमारा मीशत का सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो रहा है और ज़िंदगी हर आदमी की मुश्किल हो रही है इन हालात में जहनी ग़ुलामी भी बढ़ रही है और सबसे बड़ा जो इस वक्त अलमिया है हमारा पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा रहा है ब्रेन हंट किए जा रहे हैं जी और अच्छा उसमें जो मतलब अफोर्ड कर सकता है वो तो बाहर जा रहा है अच्छा जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो यहाँ रह के मुख्तफ तरह के जराम अख्तियार किए हुए हैं तो पूरी पूरी सोसाइटी को तब्दील करने की जरूरत कौम बनने है बनने के लिए कौम बनने, बनने के, के लिए कोशिश कर और यहाँ पर एक और इजाफा ये करूँगी कि में हमेशा औरत बनाती है अरबी का मुहावरा अनसाओ बिलाद और मौलाना मदूदी रहमत लेने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर आपने किसी कौम के बारे में देखना हो कि उसके अंदर दीनी हिस्स मौजूद है या नहीं बिल्कुल इसी तरह जैसे सकते के मरीज़ को देखना हो कि ज़िंदगी की रमक बाकी है या ख़त्म हो गई तो उसके नाक के मुँह के आगे आईना रख दो अगर वो धुंधला गया रमक तो मतलब जिंदगी है, के की बाकी है। उस पर दो कितना खूबसूरत आयना दिखाया डॉक्टर साहबा ने और ये बात बड़ी सोच तलब है की हम जिनके इन्फ्लुस में रहेंगे वैसा बनने की कोशिश करेंगे और फिर मॉडर्न कहलाने के लिए हम उसको फॉलो भी करेंगे अच्छा एक बात और राबिया साहब आप फरमाइएगा बात यहाँ तक ही चल रही है वेस्टर्न की मॉडर्न की ड्रेस चेंज करने की पर्दे की मैं तो ये कहता हूँ कि पर्दा तो आँख का होना चाहिए मैं जिस माशरे में बैठता हूँ वहाँ की खातून कह देती है विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट मैं समझने के लिए इस बात को आगे फैलाने के लिए हमारी बच्चियाँ भी देख रही हैं हमारे कल का फ्यूचर देख रहा है मर्द भी देख रहा है इसको शर्म आंख में होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी पहन के निकलें मैं मगरब के माशरों में सफर करता हूं जाता हूं मैं वहां से होकर आता हूं मैं देखता हूं कि वहां पर कोई कुछ भी पहन रहा है कुछ भी जा रहा है वहां किसी को किस से कोई सरोकार नहीं है सब अपनी लाइफ में बिजी हैं हम उसको ले लें जिसमें बहन अभी फरमा रही थी कि आप उसी स्कूल ऑफ थाट को लेके कहें आंख का पर्दा होना चाहिए मैं जो मर्जी पहनूं आंख का पर्दा होना चाहिए मैं जो मर्जी मेकअप कर लूं आंख का पर्दा होना चाहिए मैं जो मर्जी करूं क्या यह बात ठीक है जो आपने सवाल किया ना इस पे मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि आंख का पर्दा तो होना ही नहीं चाहिए वो तो बहुत ही गलत बात हो जाती है अगर किसी की आंखों पे पर्दा पड़ जाए तो जी। असल में आंखों पे पर्दा पड़ गया और सोच पे भी पर्दा असल पर्दा गया। ये पड़ा जी और आप देखिए कि दो लफ्ज़ हैं मॉडर्न होना और वेस्टर्न होना इन दोनों में फ़र्क है जी। जो मॉडर्न होना है ना तो मुझे लगता है कि सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है दीन में कुरान लेटेस्ट वर्जन की किता, हैं। तो कुरान है। जी। आप एक्सपायर्ड मेडिसिन एक एक लेंगे तो क्या होगा वो क्यों वो नहीं लेते जब आप एक्सपायर्ड शरिया को फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए ऐसे ही होगा अब हम मॉडर्न और वेस्टर्नाइजेशन को जरा कंपैरिजन कर लें मॉडर्न तो वो है हुलिया जो अल्लाह अल्लां ने अपनी किताब में उतार दिया वही मॉडर्न है और वो हिजाब है Allah, okay. और वेस्टर्नाइज़ होना क्या है जैसे अभी डॉक्टर हमेरा ने बात की हमने असर कबूल किया और असर हम कब कबूल करते जब हम ख़ुद कमज़ोर होते हैं असरात हम तब लेते हैं जब हम खुद बैकफुट पे होते हैं तो असल में आज हम खुद बैकफुट पे चले गए और हम कॉन्फिडेंट नहीं, नहीं है अपने दीन के ऊपर और आपको पता है सबसे बड़ा अल्मिया तो यह है कि हमें ये पता ही नहीं कि ये हुक्म अल्लाह ने उतारा है जी, और जी। ये हिजाब का हुक्म इबादत है जिस तरह नमाज इबादत है रोज़ा इबादत है इस पर अमल करना भी इबादत है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है ये और इसमें वजह सबसे पहली चीज है वो है लामी ये जो लफ्ज़ है ना जहालत का इस पर बहुत ख़वाी अमूमन ओफेंड हो जाती हैं कि ये जो है ये शायद जहालत के साथ इसको किया गया या है। जुल्म है औरत के ऊपर ये जुल्म नहीं है जैसे अभी आपा जी ने भी बात की इतनी प्यारी कि ये तहफ़ है ये प्राइवेसी है ये कॉन्फिडेंस है ये वक़ार है मुझे ये हया है जहालत तो ये है कि जिसके इसके बारे में इल्म ना होना। जी यही तो बात है और आप देखिए कि अनपढ़ होना ऐब नहीं है जहालत ऐब है हाँ कि आप ला हैं अपने अल्लाह रब्लमीन खालिक के कायनात अपने खालिक के जो हुक्म आपके लिए उतारा गया आप उसी से ला हैं तो फिर आप ज़िंदगी में क्या कमा रहे हैं आप किस तरफ जा जितनी मर्जी आप दुनियावी तालीम हासिल करें जैसे आपने कहा होनी चाहिए बहुत अच्छी बात है ज़रूरी है आजकल के माशरे में कंपीट करने के लिए ज़रूरी है लेकिन वो है और अल्लाह का हुक्म ही मिसिंग है तो फिर डायरेक्शन तो है मैं ही मैं नहीं अच्छा बात जी प्लीस, प्लीस। अच्छा मुझे वैसे ना आज की जनरेशन के लिहाज से खास तौर पर जो बच्चियां हैं तो मुझे उनके उन रहम, आता रहम आता है, रहम आता ये है। मैं भी यही और इस लिहाज से रहम आता है कि उन तक जो चीज़ पहुँची है उसमें वो मासूम भी हैं और बेखता भी हैं दो चीज़ें नहीं नहीं दो चीज़ें हैं चीज़े है। अगर पूरे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें तो इस वक्त सोशल साइंसिस को ख़त्म कर दिया गया हम तमाम अदारों में सिर्फ साइंस पढ़ाना चाहते हैं सोशल साइंस एकदम ख़त्म और यही तहजीब सिखाती हैं पहली बात और दूसरी बात ये कि घरों के अंदर कहीं निजाम होता था कुरान की तालीम का हदीस की तालीम का कोई बुनियादी एजुकेशन दी जाती थी शरीयत के हवाले से आज हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इतना बांध दिया है ग्रेडिंग के चक्कर में कि ए प्लस आना चाहिए बच्चे के पास टाइम नहीं और पेरेंट्स जो है वो नंबरों की गेम में फंस चुके हैं और दूसरी बात ये कि बच्चे के हाथ में मजबूरी में वालदेन ने भी और अदारों ने भी मोबाइल भी दे दिया लैपटॉप भी दे इस गैजेट ने तो बहुत तबाही और उसके पास बहुत कुछ ओपन है वाकई मुकाबले रहे इससे बहुत प्यारो मोहब्बत से ग्रेजुअली लाना पड़ेगा अगर हम ये समझें कि आज ये बच्ची हमारी तरह वाया ओड लेगी तो शायद ये इतना पॉसिबल नहीं विद इन डे नहीं हो सकता विदिन अ डे नहीं हो सकता पहली बात तो ये है कि उनका लिबास मुकम्मल कम अज कम बाह लिबास हो Uh, मतलब एक वक्त ज़ाहिर है कि अभी हम इस प्रोग्राम से पहले आपस में बात कर रहे थे कि एक वक्त था हमारे बचपन का या टीन एज का कि पूरा शलवार कमीज पहनते दुपट्टा उड़ते थे लेकिन अब तो शलवार कमीज दुपट्टा हर चीज़ गायब हो में कुछ चीज़ों को जो हम पहले कभी सोचते नहीं थे हम पहले दिन से यही चाहते थे कि हमारे बच्चे इसी तरह आए लेकिन अब हमें ये सोचना पड़ेगा हमें इस बात को प्रमोट करना पड़ेगा बेटी पूरे लिबास में आ जाओ हर लिबास में जो है ना एक आपको बुनियाद ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि पड़े। हमें इतनी खराबियां हैं एक ही बुनियाद है और बुनियाद है माँ पे मेहनत की माँ पे मेहनत करें माँ अपने घर में बच्चियों की तरबियत करती है माँ घर का माहौल बनाती है माँ कौम बनाती है माँ को तो निकाल दिया आपने घर से बाहर मुलाजमत के लिए अब माँ के पास तो टाइम ही नहीं उसके पास तो टाइम है अपनी फैशंस के लिए अपनी सोशल फंक्शंस के लिए और, और अपनी जॉब के लिए और मिल जाता है तो ये गैजेट ही जान नहीं छोड़ता वो उसमें लगे रहते हैं वही मैंने कहा आपको इब्तिदा करनी होगी मां से औरत को आप जब तक تربیت नहीं ना देंगे जब तक औरत को तालीम नहीं देंगे और तालीम दीन की दुनिया की मन में बहुत ले बहुत, बहुत ले ली थी बल्कि ओवर ले ली बिल्कुल जी जी मैं आपकी बात को इंडोज़ करूंगी कि दुनिया की तालीम हमने बहुत ले ली ज़्यादा ले ली और दीन की तालीम की कमी है और माए माए तैयार करनी होगी और देखिए कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे बच्चियों के लिबास की ये चेंज ओवर नहीं आया ये ग्रेजुअली स्लोली आया और किया गया है दीन की तालीम को निकाला गया है और दुनिया की तालीम को बहुत इंडोस किया गया और अभी जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो मैं देख रही थी, थी कि बच्चियों को हम कैसे मना करें जब अब उनकी खुद माए अपने घरों की चार दीवारी के अंदर अपने पूरे दिन की रूटीन को वायरल करती हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं आज सुबह उठी मैंने इतने बजे उठ के बच्चों को स्कूल भेजा फिर मैंने घर शामिल जी छोटी लेके जब हर चीज़ आपने पब्लिक कर दी तो हया और पर्दा तो वहीं पे ख़त्म हो गया कि आपने अपने घर की रूटीन ही पब्लिक कर दी एक औरत तो घर में महफूज है ना जी 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 आपने उसको पब्लिक ले गई जी हालांकि गैजेट्स का इस्तेमाल बुरा गैजेट्स बुरे नहीं है उनका इस्तेमाल उसको अच्छा बुरा बनाता, बनाता, बनाता है, है। वक्त का ज्या बच्चों की वालदेन की तरफ अदम ही आप देखिए कि जो बच्चों के मिजाज में तब्दीली आ रही है वो बैठना नहीं चाहते किसी और के पास वो बैरियर नहीं चाहते अपने और गैजेट के भाग्या बहन अगर थोड़ी देर मेरे हाथ में ये नहीं होगा मुझे मुसीबत पड़ जी बिल्कुल मेरी बेगम मेरे बच्चों मेरी बेटी मेरी बहन या मेरे घर के किसी फर्ज के हाथ में नहीं होगा मुसीबत पड़ जाए फॉर नो रीज़न में उसको खोल खोल के देखूँगा किसका मैसेज है अच्छा हम इसको थोड़ा ले आए इस कॉर्नर में बात थोड़ी समझ में आ जाए मैं जब इस इसकी जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज जहाँ मैं बैठा हूँ मैं इस सिस्टम की बात कर रहा करूँ मैं दीन में दाखिल होने की मेरी बड़ी अदनासी कोशिशें उसकी बात कर रहा हूँ ज़िंदगी वही गुजारी वेस्टरनाइज मगरब माशरा स्टार्ट पहनने पोनीज रखनी सारे फ़ैशन करने जब इस तरफ अल्लाह ने लगाया मैं मेरी तो क्या औकात है खैर तो कुरान को पढ़ना शुरू किया समझ आनी शुरू हुई मैं पैंट शर्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ आप कोई भी वेस्टर्न ड्रेस पहने बट आपकी एलिगेंसी और आपका पर्दा उसमें रहना चाहिए मुझे मेरे बड़े हम असरों ने कहा मेरे अपने कुलग्स ने कहा किस तरफ जा रहे हो क्या फनाटिक हो गए हो तुम इतनी एक्सट्रीम आ गई है तुम में तुम कुरान पढ़ो लेकिन तुम वो सारी वेस्टर्न दुनिया छोड़ रहे हो इसको मैं थोड़ा जोड़ना चाह रहा हूँ इस बात से कि आज एक मर्द और एक खातून मियाँ बीवी हैं वो दीन पर चलना शुरू करते हैं बेगम चाहती है मैं पर्दा करूं और मर्द चाहता है कि वो ना करें बेशक वो दीन पे चलना शुरू हो गए मर्द चाहता है कि उसकी बेगम पर्दा करे हिजाब करे लेकिन वो कहती है मैं दीन की तालीम तो ले रही हूं लेकिन मैं ये पर्दा नहीं कर सकती ये बड़े मामला मैंने बड़े घरों में देखे हैं अपने इर्द गिर्द का जो मेरा सर्कल है उसमें ये देखें कहाँ से आगाज हो सकता है चीजें सुलझ कैसे सकती। मैं जी आप प्लीज मैं अपनी एक स्टूडेंट की बात बताऊंगी बिल्कुल आगाज की बात है वो मुझे कहने लगी कि मैं पर आपा जी पर्दा करती हूँ क्योंकि है सुरह नूर पढ़ चुकी थी जे जे। कहने लगी मैं पर्दा करती हूँ तो मेरा शौहर मुझे कहता है गाड़ी से भी उतर जाओ मेरे साथ तुम नहीं बैठ सकती अगर तुमने पर्दा करना वेरी तो चूज आपा जी बताएं मैं क्या होता होता है। है। मैंने कहा कर, ऐसा करो बेटा अपने घर में हमने फसाद नहीं डालने ऐसा करो खामिन के साथ हो ना तो थोड़ा सा चादर आप ले लिया करो और थोड़ा सा अपना खामिन की भी मर्ज़ी को कर, कर ली जिस हद तक अल्लाह के हुक्म पर अमल किया उतना कर लो तरह चादर थोड़ी नीचे कर ली और इस तरह करके तुम बैठ जाया करो उसके साथ खैर ठीक है कोई दो साल गुजरे एक दिन वो मुझे रास्ते में मिल गई मुझे कहने लगी हिजाब नहीं किया हुआ था वैसे ही ये पहना हुआ था और ये चेहरा कवर नहीं था जैसे वो शौहर के साथ करती जी मैंने उनका मैंने कहा आप इसके शोहर के साथ कहने लगी नहीं आप जी तो मैंने कहा आपका हिजाब किधर खैर जी ने ख्याल आ गया कि हाँ भाई आपा जी ने फुल इजाज़त नहीं दी थी शोहर के साथ ही शोहर थी के थी साथ दी। जी। उसके जी। बाद जी तकरीबन एक साल गुजरा एक दिन मुझे उनका बड़ी खुशी से चीखते हुए फ़ोन आया आपा जी आपा जी मुझे बशीर साहब ने इजाज़त दे दी है खुश, खुशी से फोन खुशी से फोन कि मुझे जी उन्होंने पर्दा करने की इजाज़त दे दी है होता ये है यहाँ पे आपको हौसले से, त, 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 स्लोली, से स्लोली स्लोली अगले को समझाना भी है कभी उसकी बात सुन लेनी है कभी सुना लेनी है और अल्लाह से दुआएं भी करनी है और अल्लाह के रास्ते पे इस्तकामत भी रखनी है अल्लाह करता है जो दीन है ना ये दीन फितरत है मर्द गैरत वाला होता है मरद अगर उसको थोड़ा सा आप समझा दें ना वो कभी भी अपनी बीवी को बेहिजाब नहीं देखना चाहता लेकिन होता ये है उसकी माशरे में तरबियत ऐसी करती होती है कि वो अपनी बीवी को बेहिजाब देखता है तो मेरा तो ख्याल है कि जो मैंने आपको तजर्बा अपना जी, सुनाया जी, है ना इसने मुझे बड़ा कुछ समझा दिया माशाल्लाह राबिया जी कुछ कहने लगी थी मुझे और वो बात रुके थी जी मैं।, मैं इसी सिलसिले में बात इन ही की बात मैं इनडोज़ करूंगी कि ये वाकई में ये चीज़ और दूसरी मुझे कभी लगता है कि आ, सबसे पहली चीज़ हमारे अख्लाक अगर हमारा अखलाक अच्छा है और हम हमत के साथ अल्लाह ताला के अहकाम अपनी जिंदगी में नाफज करते हैं ना और दूसरों को शुरू में इनिशियली आप उनसे दूर रखें हमारा तरीक़ा पता है क्या होता है हम पढ़ते हैं हिजाब का कानून हिजाब का हुक्म अपने अलावा हम सब पर उसको इम्पोज करने की कोशिश करते yes. वहां से खराबी होती है खराब। पहले आप अपनी तरफ जी, पहले, देखना पहले आप अपनी ज़ात में रोल मॉडल बना के अपने बच्चों और अपने शोहर के सामने पेश तो करिए आप देखेंगे कि वो तब्दीली आएगी मैं आपको मजे की बात बताऊं चूंकि मुझे अब आपसे मैसेज भी लेना है एक मिनट बस आपका एक दिन मैंने अभी पिछले दिनों मैंने खुद नहीं की इंटेंशनली लेकिन वो हो गई चॉप ऑफ हो गई मेरी बी थोड़ी तो मुझे मैसेजेज आने लग गए कि निामि साहब इतनी अच्छी आपको दाढ़ी लग रही थी आपने कटवा दी बड़ा अफसोस हुआ आई जस्ट फेल्ट कि आपसे कितनी इंस्परेशन जाती है और जब मैं खुद अपने आप को उस धारे में लाना चाहता हूँ जो मेरा दीन मुझे कहता है जब मैं किसी दूसरे के लिए कहूँगा तो उसमें सबसे पहले मुझे अपनी तरफ ये जी. कर लेना चाहिए तो ये मर्द हजरात और ख़वातीन इन सब के लिए ऐसा ही है अच्छा आपा जी एक, एक मिनट है और मैं चाहूँगा आप एक एक मैसेज दे दीजिए हमारी बहनों को बेटियों को हमें भी मैसेज दे दीजिए जी प्लीज पहली बात माँ को ट्रेंड कीजिए और उसे कुरान से जोड़िए और कोई तरीका नहीं है कोई मैसेज नहीं है ये सबसे मुख्तसर और सबसे मौसर रास्ता है औरत को कुरान से जोड़ दीजिए वो सारा घर खुरब सुबह साहब प्लीज अच्छा मुझे तो बहर इस लिहाज से ये बात तो आइडियल है इससे तो दूसरी बात ही नहीं हो सकती लेकिन ये कैसे होगा सवाल ये है अब कैसे होने के लिए मौलाना मदूदी रहमत एक बात समझाई है कि ये काम आप तनहा नहीं कर सकते लिहाजा आपको इकट्ठे होकर एक मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी आपको एक तहरीक चलानी पड़ेगी लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा आपको लोगों को साबित करना पड़ेगा मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त में हमारा चार सितम्बर को ज़ाहिर इजमात इस्लामी ही ने इसको शुरू किया था तो हम योम हिजाब मनाते ही इसीलिए और हम हर फ़िक्र हर मजहबी जो भी हमारा विंग होता है जिस तरह की भी बहने सब के साथ हम मिल के कोशिश ये करते हैं कि ये हमारी एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए ताकि वो पूरे के ऊपर असर डाले और बताए कि कितनी बड़ी तादाद में वो खातिन के अंदर बाज्ज़त जिंदगी गुजार रही हैं वकार के साथ गुजार रही हैं जो हिजाब पहनती हैं तो आप भी पहन सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड रही कहूँगी की सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए खुद जाइए रिसर्च कीजिए कुरान खोलिए पढ़िए देखिए हमारी आज यूथ भी और हम भी सुनी सुनाई बातों के बजाय हम अब तो गूगल है एक क्लिक पे आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कह सकें कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी और कोई ऐसा नहीं है आज को जो वेल well इन्फॉर्म्ड ना हो तो मुझे ऐसे लगता है कि सुनी सुनाई बातों के बजाय आप कुरान से जुड़ जाइए जैसे आपा जी ने कहा कि कुरान से जुड़िए अल्लाह रब्लमीन ख़ाल के कायनात के ख़ुद जो अहकाम आपके लिए उतारे गए हैं क्योंकि अल्लाह से बेहतर वो अल-अलीम है ना उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसकी मखलूक के लिए क्या चीज़ फ़ायदा मंद क्या चीज़ फ़ायदेमंद है ब्यूटीफुल मैसेज है मुजिस्स मेहमान हमारे साथ मौजूद रहीं आपा रज़िया मदनी साहिबा आपा जी आपके आने का बहुत शुक्रिया हमें समझाने का बहुत शुक्रिया और आपके साथ मौजूद रहीं डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा आपका आने का मैम बहुत शुक्रिया और राबिया कलीम साहिबा बहन आपके भी आने का बहुत शुक्रिया ये वो बहनें हैं ये वो हमारी ख़वातीन हैं जो माशरे में अपनी जिम्मेदारियाँ बासन व खूबी सरंजाम दे रही हैं और ये सब हिजाब में हैं एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ जवाब अब आपने खुद ढूँढ लेना है चाहे आप मर्द हैं चाहे आप खातून है इसके साथ ही नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाजत दीजिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफि